That's right. Hello, assalamu alaikum guys, how are you all? I hope that you will be fine and safe. So welcome to another new video, and in today's video मैं जो है ना आपको जो है ना शो करवाऊँगी ये प्लांट्स सब के सब. सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जब देखिएगा बहुत मज़े की है और लाइक जरूर कीजिएगा मेरी वीडियो को. चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब के बटन को रेड से ग्रे कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट में आई डोंट नो ये किस चीज़ का, आई थिंक ये डेकोरेशन के लिए ही है और इसके लीव्स बहुत प्यारे लग रहे हैं. देन हमारे पास है यहाँ पर ये वाला, जिनका मुझे पता होगा ना वो किस चीज़ के वो मैं आपको बताती चाहूँगी. देन है ये वाला, एंड देन ये वाला, ये ना एलोवेरा का है, वो आपको नज़र आ ही होगा. और एलोवेरा का जो प्लांट होता है वो घर में तो मस्त लगा होता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी ना जो स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, एलोवेरा स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है एलोवेरा, और इसके अलावा हमारे हेयर्स के लिए. सो ये देखें, ये भी मैंने कट करते हुए भी आपको दिखाऊँगी. सो इस ये भी मुझे आई थिंक सो डेकोरेशन का ही है. इसका आप देखें लीव कितना ब्रॉड है. एंड देन दिस वन इज़ लेमन ट्री. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखें अभी छोटे छोटे से और ग्रीन है अभी सारे के सारे लेमन. एंड वहाँ पर आप नोट करें वो अच्छी तरह से मुझे कि अभी जो ना थोड़े दिनों तक वो येलो हो जाएगा. सो ये वाले कितने छुटकू से हैं ये. एंड यहाँ पर फिर से ये भी आई थिंक सो डेकोरेशन का ही है. और ये वाले की ये देखिए ब्रांचेस जो हैं वो कितनी अच्छी लग रही हैं. इसके बाद यहाँ पर फिर से हमारे पास आ जाता है एलोवेरा जेल का, ठीक है. यहाँ पर ये भी एलोवेरा जेल का, ये भी एलोवेरा जेल का. सबसे पहले हम यहाँ से जो है ना एलोवेरा को उतारते हैं. अब मैंने मोबाइल ट्राईपॉड लूँगी क्योंकि अब व्लॉग शूट करने में और अगर कोई काम साथ कर रहे हो ना तो वो बहुत मस्त होता है फिर. सो लेट मी शो यू. ये देखिए माशाल्लाह, स्टेज बताती हूँ. सबसे पहले ये देखें ये इस तरीके से, फिर ऐसे, देन ये देखिए कितने छोटे छोटे और क्यूट से हैं. ये देखें छोटे छोटे से क्यूट से हैं, फ्लफी से. यहाँ पर नेक्स्ट पे ये केवल है, एंड देन दिस आई डोंट नो ये किसके हैं, किस चीज़ के हैं मतलब के. देन यहाँ पर देखिए इस वाले में कितनी ज़्यादा एलोवेरा जेल जो है ना वो लगी हुई है, ये बहुत ज़्यादा आई थिंक सो 100 तो ये मस्त है एलोवेरा जेल, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप देखे लगी हुई है ये. देन इसका मुझे नहीं पता ये जिसने एलोवेरा जेल को साया दिया हुआ है ये कौन सा है. देन एक ये वाला है, ये वाला जो है ना जो सब्ज़ी होती है ना तोड़ी, ये उसका जो है ना प्लांट है, वहाँ पर आप देख सकते हैं. एंड ये वाला जो है ना वो है सब्ज़ धनिया का, और इतना प्यारा लग रहा है ना. देन ये वाला जो है ना ब्रिंजल का है, बैंगन का. अब यहाँ पर देखें ये छोटे छोटे जो है ना बैंगन जो है ना उगे हुए हैं, इन्होंने भी पलपड़ उन्होंने नहीं पकड़ने में, पकड़ना नहीं चाहिए जब ये ग्रो रहते हैं, लेकिन बड़ा मसाला है इन्हें पकड़ने का, ये स्मूथ बहुत ज़्यादा है. एंड ये वाला जो है ना ये देखें ये वाला थोड़ा सा उससे बड़ा हो गया है. यहाँ पर टोटल 3 अभी तक ब्रिंजल जो है ना वो लगे हुए हैं. नेक्स्ट ये है हमारे पास, अच्छा वो हरी मिर्चों का था जो मैंने पहले आपको दिखाया था, ये वाला हरी मिर्चों का, एंड ये वाला ना सब्ज़ धनिए का, ठीक है. देन हमारे पास ये वाला जो लेडी फिंगर का ही है, वहाँ पर आप देख सकते हैं लेडी फिंगर. एंड देन जो है ना हमारे पास है ये वाला, ठीक है. एंड मुझे नहीं पता ये वाला किस चीज़ का है. नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो ऑफ लेमन. और यहाँ पर अच्छे खासे मतलब कि लेमन जो है ना ये देखें बड़े हुए हैं, ये अच्छे से जो है ना ग्रो हो रहे हैं, और ये दो तीन दिनों में आप कह लें येलो भी हो जाएंगे, और इस ट्री में माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा जो है ना मुँह उगे हुए हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला. सो ये वाला भी जो है ना वो कद्दू का ही है, लेकिन इस पर अभी कद्दू जो है ना उगा नहीं है. आप ना यहाँ जो है ना ये वाला जो है ना इसके देखें लीव्स कितने जो है ना ज़मीन पे फैले हुए हैं, स्प्रेड हुए हुए हैं. और ये वाला जो है ना ये है कद्दू का, ठीक है. यहाँ पर देख सकते हैं आप इन्हें, और वहाँ पर पिंक फ्लावर. एंड मैं आपको शो करवाती हूँ अच्छे से, ये देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह से देखिए कद्दू उगा हुआ है, इतना प्यारा और इतना बड़ा माशाल्लाह. एंड
देन है ये वाला एंड दिस वन, ये वाला जो लेडी फिंगर का है पिंडी का, तो इसका अगर मैं आपको साइकिल चलाना हो तो यहाँ से आप शो करवाती हूँ। सबसे पहले इस तरह लेडी फिंगर होती है, स्टेप वाइज आप देखे जाएँ, फिर इस तरह, और इससे बाद ही आगे वाला एक कोटरी है उसमें दिखाती हूँ इससे बाद जो प्रोसेस है, ये देखें। उसके बाद इस तरह से होती है और वो जो अंदर आपको पर्पल पर्पल कलर आ रहा होगा, नज़र आ रहा होगा ना, वो भिंडी बनती है। नेक्स्ट ये भी हमारे पास लेडी फिंगर का ही है और यहाँ पर देखिए ये लेडी फिंगर जो है ना वो ग्रो भी हुई हुई है, देखिए लेडी फिंगर। देन दिस वन इज़ अगेन ऑफ द लेडी फिंगर। सो यहाँ पर ये देखें इस तरीके से ना, उसके उस फ्लावर की जो मैंने दिखाया पर्पल वाला, इस तरह का था अंदर से पर्पल था, उसके बाद इस तरह की स्टेज आ जाती है ये, इस तरीके से ना यहाँ पर लेडी फिंगर ग्रो होती है। एंड के बाद ये देखें ये भी जो है भिंडी का ही है, ठीक है, यहाँ पर भिंडी के आई थिंक सो तीन है। एंड उसके बाद नेक्स्ट पे हमारे पास आता है ये वाला एंड दिस वन इज ऑफ ऐसे, देखिए भिंडी माशाल्लाह से कितनी प्यारी जो है ना ग्रो हुई है। सो नेक्स्ट भी हम उतारते हैं, सो गाइज ये वाले जो ना आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं तो मैंने सोचा आपको ये भी शो करवा लूँ। ये देखें फर्स्ट में है ये वाला, इसके कितने ब्रॉड मिलते के बड़े बड़े लीव्स हैं इसके भी, देन ये, और ये वाला कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। एंड देन दिस वन कितना प्यारा लग रहा है ना, एंड देन ये वाला, देन दिस, एंड अगर इससे आगे जाए ना तो ये वाला जो है ना, ये जो मैंने आपको पहले दिखाया ना छोटा सा सजमा था इससे मैच होता है। आर्टिफिशियल फ्लावर्स तो जैसे आप सबको पता है डेकोरेशन के लिए होते हैं, लेकिन जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं ना वो गर्मी ज़रूर लगाने चाहिए। एक तो वो सुबह सुबह जो है ना फजर के टाइम अल्लाह ताला का कलाम करते हैं पौधे भी, देन उनसे हमें फ्रेश, जैसे कि अब महंगाई के दौर पर ना ये धनिया पुदीना हरी मिर्चें इस तरह की चीज़ें अगर घर में लग जाए ना तो बहुत फ़ायदा और बहुत बचत भी हो जाती है। उसके अलावा अगर मतलब के अब हम कह सकते हैं एक तो हमें ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं वो, तो जो है ना प्लांट्स जो है ना वो गर्मी ज़रूर लगाने चाहिए। एलोवेरा का टाइम कन्फर्म के सबके घर में ज़रूर लगा होगा, सो सब लगा हुआ है। अगर आपके घर में भी प्लांट्स अगर लगे हुए हैं और कौन कौन से लगे हुए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट इस वीडियो पर कमेंट करना नहीं भूलना, ठीक है, बाय गाइज़।